नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर। देखिए मित्रों, आप सभी कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को हिंदी विषय के ये प्रश्न याद कर ही लेने हैं। आपकी वार्षिक परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। तो बिना देर किए आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ कि ये जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं इसी के आधार पर आप सभी प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है आपका, कामायनी के रचनाकार है। तो कामायनी, लहर, आंसू और झरना, ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, प्रगतिवाद का समय माना गया है। तो प्रगतिवाद का समय माना गया है 1936 से लेकर के तो 1943 तक। इसके बाद देखिएगा, भक्तिकाल, कबीर भक्तिकाल की कौन सी धारा के कवि हैं। तो कबीरदास जी जो भक्तिकाल की ज्ञान मार्ग की शाखा है उसके कवि माने जाते हैं। तो ज्ञान मार्ग की शाखा आप याद रखेंगे। और कबीरदास जी का जो प्रतिनिधि ग्रंथ है उसका नाम है बीजक। कबीरदास जी का प्रतिनिधि ग्रंथ बीजक है, जिसमें साखी, शबद और रमेनी तीन रचनाएं आती है। साखी आता है, शबद आती है और उसके बाद में रमेनी आती है। तीनों रचनाओं को भी आप याद करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिएगा, पुरंदर का शाब्दिक अर्थ है। तो जो पुरंदर है उसका शाब्दिक अर्थ सुरेंद्र होता है, तो सुरेंद्र पर आप टिक करेंगे, राइट। रचना के आधार पर वाक्य को विभाजित किया है। देखिएगा, रचना के आधार पर वाक्य जो हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य जो हैं आठ प्रकार के होते हैं, और क्रिया मतलब कि आपका वाच्य के आधार पर जो वाक्य है वो तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रेमचंद का वास्तविक नाम था। तो धनपत राय, याद रखना प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, भक्तिकाल का दूसरा नाम आपको बताना है पूर्व मध्यकाल। माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, जैसे मंगल भवन अमंगलहारी, द्रंश दशरथ अजिरबिहारी। आप मात्रा गिनोगे तो पहले चरण में भी 16 होगी, दूसरे चरण में भी 16 होगी, ठीक है। तो प्रत्येक चरण में जहां पर 16-16 मात्राएं हो वहां पर चौपाई छंद होता है। आग का तत्सम, तो आग का जो तत्सम शब्द है वो अग्नि होगा, मतलब तत्सम का मतलब संस्कृत के ऐसे शब्द जो जिस प्रकार से संस्कृत में है उसी प्रकार से। देखिएगा, अग्नि, ये अग्नि संस्कृत में हमेशा अग्नि ही यूज किया जाएगा, ठीक है। और अगर तद्भव बनेगा हिंदी में आकर तो इसका आग बन जाएगा, ठीक। तो आग तद्भव शब्द है, अग्नि तत्सम शब्द है। करुण रस का स्थायी भाव बताइए, तो करुण रस का स्थायी भाव आप बताएंगे शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अब देखिए, सही जोड़ी बनाइए, गोदान। तो इसमें आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गबन गोदान, रंगभूमि और कर्मभूमि। इसके बाद घुमक्कड़ शास्त्र, तो इसमें आपको राहुल सांकृत्यायन याद रखना है, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन घूम घूम कर इन्होंने रचनाएं लिखी है मित्रों, तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद जो है दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। हिंदी के व्यंगकार हैं, तो हिंदी के जो व्यंगकार हैं इसमें आपको याद रखना है हरिशंकर परसाई जी हिंदी के व्यंगकार हैं। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है, तो याद रखना 9-2-11 मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। रीढ़ की हड्डी, तो इसमें आपको मित्रों याद रखना है जगदीश चंद्र माथुर, रीढ़ की हड्डी में जगदीश चंद्र माथुर आप कंप्लीट याद रखेंगे। अब इसके बाद में आपके सामने आ चुके हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। देखिएगा, प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार का नाम क्या है, तो आप बताएंगे हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद के फटे जूते जो हैं हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। गोपाल प्रसाद किसकी शादी कराना चाहते थे, तो इसमें आपको लिखना है शंकर की। इसके बाद मेरे संग की औरतें की लेखिका कौन है, तो मृदुला गर्ग। मेरे संग की औरतें ये मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया है। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, तो जो बाढ़ का तेज गति से आने वाला जो पानी है उसको मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। और जो शब्दांश शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो आपको इसमें याद रखना है प्रत्यय कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं मित्रों। इसके बाद देखिएगा, समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं, जो मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ आप याद रखेंगे। कर्मधारय समास,
अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। इस प्रकार से समास के 6 भेद होते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है सत्य असत्य बताइए। रामचरितमानस भक्ति काल की रचना है, तो बिल्कुल आपको इसमें लिखना है सत्य, क्योंकि भक्ति काल की ही रचना है रामचरितमानस। और रामचरितमानस की भाषा आपको बताना है अवधि भाषा है। इसके बाद में देखिएगा, इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है, तो आपको बताना है बिल्कुल सही सत्य। लेखिका मृदुलागर की 5 बहनें हैं, तो इसमें आपको सत्य बताना है। भारतेंदु युग की भाषा को भाषा की दृष्टि समृद्धशाली माना गया है, तो ये असत्य है। विभाव अनुभव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, ये सूत्र भरत मुनि का है, तो इसमें आपको बताना है सत्य, बिल्कुल सत्य। ठीक है, और उसके बाद में देखिए, अपना घर सबको प्यारा होता है, यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है, तो ये है गलत। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सत्य असत्य करेंगे और उत्तर भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए रहेगा। तब तक आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपडेट प्राप्त करते रहें, और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।